आप मनाली गई हो और कुल्लू से मनाली एयरपोर्ट से देखा है दोनों बाजू पहाड़ है, तो मैं क्या आसमान से रोड बना सकता हूँ? अगर मुझे अच्छा रोड, टूरिस्ट जा रहे, लाखों करोड़ों लोग जा रहे, 50,000 गाड़ियाँ अटकी हुई थी, अब उनके लिए रोड नहीं बनाने पड़ेंगे तो कैसे होगा? ये बहुत बड़ा संकट है। और एक बात जरूर है कि हमने अभी स्विट्जरलैंड से कुछ एक्सपर्ट बुलाया, मैंने उनसे प्रेजेंटेशन दिया, और स्विट्जरलैंड की भी जो एक प्रकार की जो लैंड और जो माउंटेन है वो हिमालय जैसे ही है, तो उन्हीं के आधार पर हम कुछ नए मेजर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस समय इतना बड़ा प्रकोप था, बादल फटे, बाढ़ आई, बरसात हुई, इट इज़ बियॉन्ड कंट्रोल। ये एक नेचुरल कैलेमिटीज़ है, क्लाइमेट चेंज भी का प्रॉब्लम है, पर इट्स रियली बहुत नुकसान हुआ है, मैंने खुद आंखों से देखा। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज दैट हैव बीन यूज्ड, बट आल्सो देयर इज अ परसेप्शन दैट यू हैव नॉट गॉट योर ड्यू इन दिस गवर्नमेंट, व्हाट यू हैव टू से टू दैट? व्हाट यू हैव नॉट गॉट योर ड्यू इन द गवर्नमेंट? नो, एवरीथिंग इज देयर। देश के कोई भी कोने में जाओ और हमारे कार्यकर्ता को नहीं, ड्राइवर को पूछो, वो आपको बताएगा कि देश में हाईवे में कितना सुधार है। You know, so many recently constructed highways got damaged. Was it because of poor construction? And how much loss has happened because of that? Actually, मुझे हिमाचल प्रदेश जाने का मौका मिला। मैं थोड़ा जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टोग्राफी भी थोड़ी बहुत जानता हूँ। हिमालय में रॉकी नहीं है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जैसे डेक्कन है, जो है ये है पूरा पठार, वो ब्लैक रॉक है। हिमालय मिट्टी है और उसमें पत्थर है, तो ये जो रॉक्स है इसमें एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है, टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेट, स्पार्स, कोरंडम, डायमंड, इट इज़ टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल। और ये जो पूरा मटेरियल है ये पूरा लगभग इतना है कि मिट्टी जैसा है। बादल फटता है, बाढ़ आती है, रिवर डायरेक्शन बदल देती है, 40 तो बसेस बह गई, 30 वॉल्वो बसेस बह गई, कार बह गई, बिल्डिंगें बह गई। ये पहली बार इतना बड़ा बरसात आई है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो रोड भी डैमेज है। दूसरी बात क्या हुआ, जैसे आप मनाली टू कुल्लू जाएगी, इधर हिमालय, इधर हिमालय, इधर हमने ये पुराना रोड या नया रोड बनाया, पर इधर पूरा हिमालय है, उसके बाद में गांव है हमारे रोड के बाजू में, गांव के बाद रिवर है, और रिवर के बाद फिर गांव है, और गांव के बाद फिर हिमालय रोड है, और रोड के बाद हिमालय है। तो ये एक्चुअली ऐसी सिचुएशन है कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। पर मैं मानता हूँ कि मैंने चीफ मिनिस्टर को एक सलाह दी, उनने एक्सेप्ट की, मैंने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री भी चर्चा की कि हम 3 मीटर नीचे में ट्रेजिंग करें और एक 40 मीटर का एक पूरा लेन तैयार करके पानी के लिए जगह करें, और जो पत्थर निकलेगा वो हमारे स्टील की वायर में डालकर उसकी दीवारें 3-3 मीटर दोनों बाजू बनाएं ताकि पानी गांव में नहीं घुसेगा और नदी अपना पात्र नहीं बदलेगी। मैंने खुद आंखों से देखा, इतने बड़े प्रमाण पर, आपको भी वीडियो देखोगी, नदी इधर भागती है और इधर डैश करके इधर जाके रिबाउंड होती है, तो इतना नुकसान हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी बदलाव करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा संकट है। और एक बात जरूर है कि हमने अभी स्विट्जरलैंड से कुछ एक्सपर्ट बुलाया, मैंने उनसे प्रेजेंटेशन दिया, और स्विट्जरलैंड की भी जो एक प्रकार की जो लैंड और जो माउंटेन है वो हिमालय जैसे ही है, तो उन्हीं के आधार पर हम कुछ नए मेजर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस समय इतना बड़ा प्रकोप था, बादल फटे, बाढ़ आई, बरसात हुई, इट इज़ बियॉन्ड कंट्रोल। ये एक नेचुरल कैलेमिटीज़ है, क्लाइमेट चेंज भी का प्रॉब्लम है, पर इट्स रियली बहुत नुकसान हुआ है, मैंने खुद आंखों से देखा। That the cutting of the hill for construction of highway is to be blamed for this. So how do you say it? देखो, आप दोनों बाजू से बोलते हो, लोग पहाड़ पर रहते तो रोड बनाने चाहिए। आप मनाली गई हो और कुल्लू से मनाली एयरपोर्ट से देखा है दोनों बाजू पहाड़ है, तो मैं क्या आसमान से रोड बना सकता हूँ? अगर मुझे अच्छा, टूरिस्ट जा रहे, लाखों करोड़ों लोग जा रहे, 50,000 गाड़ियाँ अटकी हुई थी, अब उनके लिए रोड नहीं बनाने पड़ेंगे तो कैसे होगा? अगर टूरिज्म नहीं बढ़ेगा तो लोगों की उपजीविका का साधन क्या है? एक्सेसिबिलिटी तो जरूरी है। ऐसा है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, विकास भी होना चाहिए और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसीलिए मैंने जो सॉल्यूशन दिया वो चीफ मिनिस्टर को दिया, मैं फ्री ऑफ चार्ज ये काम करने के लिए तैयार हूँ, वही मटेरियल मैं रोड में यूज़ करूँगा। मैं महाराष्ट्र में जहाँ पानी की कमी है वहाँ हम दौड़ने वाले को पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, हम इस पर काम कर रहे हैं। तो उससे वाटर कंजर्वेशन बढ़ा, कुएं, 1 घंटे कुएं का पानी चलता था 24 घंटे चलने लगा, लोगों ने सोलर पंप लगाए, किसान आत्महत्या कर, 10,000 किसानों ने आत्महत्या की, अब पानी के कारण उनका जीवन समृद्ध बना। हमको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और देखो, हम लोग परली से बायो बिटुमिन यूज़ कर रहे हैं, हम दिल्ली के और अहमदाबाद के कचरे को 30-30 लाख टन, ये UR2 और अहमदाबाद डोलोरो प्रोजेक्ट में 30-30 लाख टन कचरा डाल दिया,
हमने रबर के टायर इंपोर्ट कर रहे हैं वेस्ट टायर, उससे रबर निकाल के बिटुमेन में 15% डाल रहे हैं, प्लास्टिक 7% डाल रहे हैं, बाम्बू का हमने क्रैश बैरियर बनाया, हमने करीब 67,000 पेड़ को ट्रांसप्लांट किया, 100 साल पुराने पेड़ वड़ के। मैंने पैठन जगाया औरंगाबाद के पास, हमारे साउथ इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर है, विलन का काम करे सयाजी शिंदे, उनका एनजीओ है, उनके साथ काम किया और हमने उन पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया। तो हम लोग 3.5 करोड़ हमने नए पेड़ लगाए, वो अटैक किया है, और हम इन्वायरमेंट के विरोध में है क्या? देखो, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी चाहिए और रोड भी चाहिए, पर हिमालय ऐसी ज्योग्राफी है कि वहाँ हम प्रॉब्लम ही है। पहले तो रिवर के बाजू में रोड बने थे, तो टनल बना रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, दोनों के बीच में दोनों को प्रोटेक्ट करके हमको इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करके डेवलपमेंट को भी आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का जीवन भी हमको सस्टेनेबल करना होगा। साठ साल मौका कांग्रेस को मिला, हमारे यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में हम आए, आज लगभग हम 10 साल पूरे करेंगे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 60-65 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, उससे ज़्यादा रोड का काम हमने, हाईवे का काम किया है। मैं आया तब 92,000 किलोमीटर रोड नेशनल हाईवे था, अब 1,47,000 किलोमीटर हुआ है। हमारे देश में हम सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, 65 लाख किलोमीटर की रोड लेंथ है और 40% ट्रैफिक नेशनल हाईवे पे है। अब देश के कोई भी कोने में जाओ और हमारे कार्यकर्ता को नहीं, ड्राइवर को पूछो, वो आपको बताएगा कि देश में हाईवे में कितना सुधार हुआ है। पर डे जितना रोड बनता था आपके अंडर में, इट गॉट डबल्ड, एंड देयर इज दिस परसेप्शन आल्सो दैट यू आर अमंग द बेटर परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। 2014 ऑनवर्ड्स द नंबर ऑफ किलोमीटर्स ऑफ हाईवेज दैट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, द इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज दैट हैव बीन यूज्ड, बट आल्सो देयर इज अ परसेप्शन दैट यू हैव नॉट गॉट योर ड्यू इन दिस गवर्नमेंट। सो व्हाट यू हैव टू से टू दैट? व्हाट? यू हैव नॉट गॉट योर ड्यू इन द गवर्नमेंट? नो, एवरीथिंग इज देयर। एक्चुअली हम जो कुछ काम कर सके वो प्रधानमंत्री जी और बाकी सब डिपार्टमेंट और राज्य सरकार के सहयोग के कारण कर सके। देखो, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस हमको भारत सरकार और राज्य सरकार का लेना पड़ता है, यूटिलिटी शिफ्टिंग में राज्य सरकार और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सहयोग लगता है, लैंड एक्विजिशन राज्य सरकार के सहयोग से करते हैं, बजट हमको वित्त मंत्री जी ने 2,80,000 करोड़ का दिया है, हम पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। हमको सब लोगों ने जो सहयोग किया उसी में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने ये काम किया। ने देखा हुआ कितने सारे उसमें लीडर्स हैं, आपको क्या लगता है उनमें से कौन एक है जो एक तरह से फिर भी एक थ्रेट एनडीए को दे सकता है? कोई हमको थ्रेट नहीं है। जब हम स्ट्रांग होते हैं और बाकी लोग वीक हो जाते हैं तो अलायंस बनती है। ये अलायंस बनने का कारण यही है कि हम स्ट्रांग हैं और उनको पता है कि हम इनको नहीं हरा सकते, इसलिए जो दुर्बल लोग थे सब इकट्ठा हो गए। तो ये पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपोजिशंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शन, चलते रहता है। मुझे नहीं लगता कि ये सब कोई 2+2 4 नहीं होता। मुझे याद है कि इंदिरा जी के खिलाफ सब पार्टियाँ एक हुई थी, कांग्रेस हो, जनसंघ व लोकदल, समाजवादी पार्टी, और एक बड़ी आघाड़ी बनी थी, और जब उनके होठों की तुलना कर की थी तो ऐसा लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, और उस चुनाव में कांग्रेस जीत गई। तो 2+2 4 राजनीति में नहीं होते, और ये लोग कितने भी इकट्ठा होंगे ये इसीलिए हुए कि हम स्ट्रांग हैं, हमने अच्छा काम किया है और हमको हरा नहीं सकते इंडिविजुअली, इसलिए उन्होंने अलायंस का निर्माण किया। और दूसरी बात, उन्होंने नाम बदल दिया है। जब देखो कोई उद्योग व्यापार क्षेत्र में कोई आदमी दिवाला पिटता है तो अपना पुराना नाम हटाकर नया नाम लेता है और नए फिर से नया अकाउंट खोलता है बैंक में, क्योंकि एनपीए होने के बाद बैंक में फिर नया लोन मिलता नहीं, फिर नए नाम से फिर बैंक में जाके लोन लाता है। ये वैसी बात है, जिनका दिवाला पिट चुका है वो नया दुकान खोल रहे हैं। पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंडिया अलायंस है, जो नाम अपने आप में है, वो जनता के बीच थोड़ा एक तरह से पॉपुलर हो रहा है? मुझे नहीं लगता। ये तो अनेक बार हुआ, अनेक आघाड़ियाँ हमारे खिलाफ लोग इकट्ठा हुए बने हैं, अब एनडीए का भी फॉर्मेशन हुआ है, मुझे इससे कोई संभावना नहीं लगती। बीजेपी अगर आती है वापस तो आप क्या यू वुड वांट टू बी द हाईवे मिनिस्टर ओनली, और यू आर इंटरेस्टेड इन अदर सेक्टर्स? फिर से बताएं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव जीता जाएगा और जब नेतृत्व की वो शपथ लेंगे तो अपना मंत्रिमंडल और विभाग ये बनाने का उनका अधिकार है, ये उनकी फ्रीडम है, उनका प्रिविलेज है, उसके आधार पर उसका निर्णय वही करेंगे और वही बता पाएंगे।